देखिए हमारे देश में 91 से जब उस वक्त की सरकार ने ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण का स्वागत किया है और वो इसलिए किया है कि हमारे देश का जो निर्माण होना है उसके लिए हमारे को पूंजी चाहिए और हमारे पास पूंजी नहीं है देश के अंदर क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इतना इकट्ठा नहीं होता है, तो इसलिए विदेशी पूंजी वालों को अपने देश में बॉर्डर खोल कर कारखाने लगाने के लिए और लगे लगाए कारखाने खरीदने के लिए या वहाँ का बना हुआ माल हमारे देश में बेचने के लिए छूट देने का मामला, ये 91 में इनको छूट दी है और उसके बाद उसको जो भी सरकार आई है उसको और मजबूती देते गए और उसमें लिबरलाइजेशन जो शुरू किया है हमारी सरकारों ने, उदारीकरण की नीतियाँ शुरू की हैं, जो नई औद्योगिक और आर्थिक नीति बनाई गई हैं उसके तहत में इन्होंने जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, बड़े बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, उनके दबाव में आकर उन जो जितने भी सरकारी कानून है श्रम कानून वो उनके हितों में मालिकों के हितों में बदलने शुरू कर दिए हैं क्योंकि उनका दबाव है विदेशी कंपनियों का कि हम आपके देश में आकर पैसा तो निवेश करेंगे परंतु निवेश करने के लिए हमारे को अपनी छूट चाहिए, फ्री हैंड चाहिए कि वर्कर को जब हम जी चाहें रखें नौकरी पर, जब जी चाहें उसको किकआउट करके निकाल दें, जिसको इंग्लिश में हायर एंड फायर का रूल बोलते हैं, और वो अधिकार सरकार उनको देने के लिए आता है। पहले जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो श्रम कानूनों को लागू नहीं कर रही थी, खुली छूट दे रखी थी विदेशी कंपनियों को और हमारे देश के भी कॉर्पोरेट हाउस को। अभी जब से ये सरकार आई है इन्होंने तो जितने श्रम कानून मजदूरों के हित में बने हैं उनको बदलना शुरू कर दिया है और 44 कानून केंद्र के बने हुए हैं जो अंग्रेजों के टाइम पर भी बने, उसके आज़ादी के बाद भी बने, और उन 44 कानूनों को अब ये 4 कोड में पार्लियामेंट में पेश करने जा रहे हैं और वो 4 कोडों में पार्लियामेंट से अगर अप्रूव हो जाएंगे तो हमारे देश का मजदूर बंधवा मजदूर हो जाएगा, जो अंग्रेजों के ज़माने में था उससे भी बदतर हालत हो जाएगी। और अभी बीजेपी रूल जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट हैं जैसे राजस्थान की गवर्नमेंट है उन्होंने फैक्ट्री एक्ट को चेंज कर दिया है, उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को चेंज कर दिया है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एंड अबॉल्यूशन एक्ट को चेंज कर दिया है। और इन तीनों एक्ट को चेंज करने पर जब हमने उनसे पूछा कि आप ये क्यों चेंज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे को कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, पूंजी को उनको लुभावने वादे देने हैं ताकि पूंजी हमारे स्टेटों में आए, हमारे स्टेट की तरक्की हो और वो कारखाने लगाएंगे और उससे रोजगार पैदा होगा, गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी। ये इनका मुद्दा था जो आम देश के नागरिक को टीवी के जरिए और अखबारों के जरिए समझाने का काम इन्होंने किया, परंतु अभी हम 4 साल के बाद उनसे पूछते हैं कि कितनी पूंजी निवेश हो गई, कितने कारखाने उन्होंने लगा दिए, कितने रोजगार आपने पैदा कर दिए, इसके पास उनके पास कोई जवाब नहीं है और उल्टे लगे हुए हाथ में जो रोजगार हैं वो जा रहे हैं क्योंकि उसमें इन्होंने फैक्ट्री एक्ट में ये अमेंड कर दिया कि अगर 100 एम्प्लॉय जहाँ काम करता था 101 पर बंद करने के लिए पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी था, अभी इन्होंने उस नंबर को 300 कर दिया है कि अगर 300 एम्प्लॉय जिस कारखाने में काम करेंगे मालिक जब जी चाहेगा उस कारखाने को बंद कर सकता है, तालाबंदी कर सकता है, वर्कर को निकाल के सड़क पर फेंक सकता है, वर्कर का कोई भी अधिकार उसमें नहीं है जो सुरक्षित रखा हो इन्होंने, तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग बाग एम्प्लॉयर जो हैं वो अपने कारखाने बंद करके सस्ते दाम पर दूसरी स्टेटों में ज़मीनें लेकर नए नाम से सस्ते मजदूर रखकर कारखाने खोलते चले जा रहे हैं और हमारा लगा हुआ वर्कर जो कई सालों से काम कर रहा था उसकी तनख्वाहें सब जीरो हो गई हैं और वो भूखे कागार पर खड़ा हो गया। इसी तरीके से इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो 20 एम्प्लॉय काम करते थे, 10 एम्प्लॉय जहाँ पावर से लगी होती थी, जहाँ 20 एम्प्लॉय थे जहाँ नॉन पावर थी वहाँ पर लेबर लॉ लागू नहीं होते थे, परंतु अभी इन्होंने उसके नंबर बढ़ा दिए हैं, पावर वाले का 20 कर दिया, नॉन पावर वाले का 40 कर दिया कि वहाँ पर कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगी लेबर मिनिस्ट्री की, कोई भी वहाँ पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं रहेगा गवर्नमेंट का, फ्री हैंड उन मालिकों को दे दिया है इन्होंने और वो मालिक जो है रिटर्न जो है वो अपनी सर्टिफिकेशन से खुद ही सर्टिफाई कर देगा कि ये मेरी रिटर्न मैं भर रहा हूँ और ये ठीक है और वो ऑनलाइन जाएगी, उसमें कहीं पर भी वर्कर के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उसको चेक नहीं करेगी। तो इतने बड़े हमले, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो रेगुलेशन एंड अबॉल्यूशन एक्ट है उसमें कोई भी प्रीलिमिनरी नेचर का काम जो 12 महीने काम चलता है उसको ठेके पर नहीं दिया जा सकता है और अगर कोई करेगा तो गैरकानूनी है, परंतु अभी इन्होंने उसको अमेंड कर दिया सारी स्टेटों ने और उसमें इन्होंने अलाउ कर दिया कि जिसके पास 100 वर्कर काम करेगा उसको वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई लेबर लॉज उसके इंस्पेक्शन होने की वहाँ पर, तो वो बंधवा मजदूर बना रहे हैं। मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट ने तय कर रखी है वो भी देने को तैयार नहीं है, वहाँ पर उनको ना तो नियुक्ति पत्र देते हैं,
जहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन शुरू होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर से शुरू होता है कि उसका कौन मालिक है, कौन उसका वर्कर है, क्या वहाँ पर फैक्ट्री में बन रहा है, ये कहीं पर भी कोई छाया नहीं कर रहे हैं। और उनको ठेकेदारों के एम्प्लॉय बनाकर और मालिक प्रॉफिट खुद कमा रहे हैं उस इंडस्ट्री का, और वो कहते हैं कि कर्मचारी हमारे नहीं है, ये तो ठेकेदार के कर्मचारी हैं, अगर इनकी कोई भी मांग है वो ठेकेदार निपटेगा, कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके का वातावरण इस गवर्नमेंट के आने के बाद पूरे देश में पूंजीपतियों के डायरेक्शन पर, उनके दबाव में आम वर्कर के ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रहार किया है उन्होंने। मेरे ख्याल से अगर ये चारों कोड पार्लियामेंट से पास हो जाते हैं तो यूनियन बनाना संभव नहीं होगा इस आजाद देश में, और जो यूनियन बनाएगा अगर मालिक उसका कहना नहीं मानेगा, उसकी मांग को पूरा नहीं करेगा, तो वो हड़ताल नहीं कर पाएगा। अगर हड़ताल करेगा तो इन्होंने कहा कि वो गैरकानूनी रहेगी, गैरकानूनी हड़ताल पर उसको 20,000 से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, लीडर को भी और यूनियन को भी, और उनकी यूनियन की मान्यता खत्म हो सकती है, लीडर की मान्यता खत्म हो सकती है, और 2 महीने से 6 महीने की कैद भी हो सकती है। ये उसके अंदर प्रोविजन करने जा रहे हैं, और कोई लेबर ऑफिसर नहीं रहेगा जो इन चीज़ों को चेक करेगा, वो इन्होंने फैसिलिटेटर एक नया डेजिनेशन बनाया है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो फैसिलिटेट करेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि कैसे बिजनेस चले, बिजनेस वाले को कहीं पर कोई नुकसान ना आए, कोई भी उसमें मजदूर की तरफ से, उसकी यूनियन की तरफ से अपनी मांग को लेकर कहीं पर भी कोई अड़चन ना आए। तो इस तरीके का वातावरण इन्होंने बनाया है देश में 4 साल में। जो सरकार की नीति रही है, जिस तरह से विदेशी निवेशकों को यहाँ पर लाया जा रहा है और निवेश कराया जा रहा है, तो ये जाहिर तौर पर, साफ तौर पर लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मजदूर हैं उन पर एक मतलब विपता आ रही है और उनका हनन होना मतलब लाजमी अब दिख रहा है जिस तरह से सरकार की नीति सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि इसके परिणाम क्या होंगे सर? देखिए, ये नीतियाँ, इन नीतियों को बनाने के लिए हमारे देश की जनता ने कहीं पर भी सरकार को मैंडेट नहीं दिया कि आप पूरे देश में जो आज़ादी के बाद देश के कर्मचारियों ने अपने खून और पसीने से जो बड़े बड़ी इंडस्ट्रियाँ खड़ी की हैं, जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे का जो मेन आप अगर कंसेप्ट देखें तो देश की जनता को सस्ता ट्रांसपोर्ट मुहैया कराना है और सेफली जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पे पहुंचाने का काम है उसका। परंतु अब इन्होंने उसको कह दिया कि नहीं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है किसी को सस्ता ट्रांसपोर्ट देना, जिसको आना है वो अच्छे पैसे खर्च करे। ये कहते हैं कि उनके पास इतना पैसा है और किराया जितना मर्जी हम बढ़ा दें और उसको प्राइवेट हाथों में दे दें। अभी विदेशी कंपनी को 100% इन्वेस्टमेंट के लिए रेलवे में इन्होंने अलाउ कर दिया। पहले 400 स्टेशन आइडेंटिफाई किए हैं, जो डेवलपमेंट स्टेशन डेवलपमेंट कमेटी एक बनाई है पूरे इंडियन रेलवे में, वो स्टेशन का विकास करेंगे, स्टेशन का नया निर्माण करेंगे। और वो विदेशी कंपनियों को पहले 45 साल के ऊपर लीज पे देने की बात हुई थी, अभी इन्होंने जो हमारे नए रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने जो पहले वाले हमारे रेल मंत्री थे उनको इन्होंने चेंज करके 99 ईयर की लीज पे कर लिया है। और इसमें पहला स्टेशन इन्होंने जो बेचा है वो, अगर आप भोपाल से अगला स्टेशन जो है वो, उस स्टेशन को इन्होंने 350 करोड़ रुपए में बेचा है, और वो पहले 46 ईयर की लीज पे था, अभी उसको 99 ईयर की लीज पे दे दिया है। तो ये कहाँ, किस देश की जनता ने इनको ये मैंडेट दे दिया कि वोट से, जनता की वोट से सरकार बनाए, वायदे किए थे हम आपको अच्छी नौकरी देंगे, आपको अच्छा बुढ़ापे का सहारा पेंशन देंगे, आपको पक्के मकान देंगे, बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, बच्चे फ्री पढ़ेंगे। अच्छा सर, एक मैं बात जानना चाहूँगा कि क्या वाकई इतनी नौबत आ गई थी, इतने घाटे में चल रहा था रेलवे कि बेचने की नौबत आ गई, स्टेशनों को बेचा जा रहा, क्या ऐसा कुछ था? रेलवे घाटे में नहीं है, रेलवे कभी घाटे में ना पहले रहा था ना अभी होने वाला है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क इतना लंबा चौड़ा है। रेलवे जो है 64,000 किलोमीटर के ऊपर रोजाना 25,000 गाड़ी चला रहा है, जिसमें से 15,000 गाड़ी जो है वो मेल एक्सप्रेस राजधानी, जिसमें पैसेंजर ट्रेवल करता है। 2.5 करोड़ देश की जनता उसमें 24 घंटे बैठी रहती है, 10 लाख उतर जाती है, 10 लाख चढ़ जाती है। इतना बड़ा नेटवर्क इतना कहीं भी दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये प्रॉफिट में चल रहा था, परंतु इनकी रॉन्ग प्लानिंग है, इनकी जो वेस्टेज है करने की प्लानिंग है, मिसयूज ऑफ पैसा का जो हो रहा है, जो करप्शन इसमें जिस हद तक फैली हुई है, वो कारण है रेलवे को डुबाने का इनका। क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे डिसीजन ले लिए गए हैं जो रेलवे के हित में ही नहीं है। और अब इन्होंने यहाँ से कश्मीर तक की रेल लाइन बनाई, उसमें
उस जमाने में 50,000 करोड़ की बात की थी, अब उसमें लाखों करोड़ रुपया लग गया है। अभी भी वो बीच का टुकड़ा जो है, कभी उसको कह देते हैं टनल के बीच में से ले जाएंगे, कभी कह देते हैं हम उसको पिलर के ऊपर से ले जाएंगे, और वो आज तक वहाँ पर इतना पैसा इन्होंने वेस्ट कर दिया है। और आपके इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं पिछले 5-6 मिनिस्टरों ने, जिसने वो प्रोजेक्ट जो है, नया मिनिस्टर आता है वो कहता है कि ये मेरी प्रायोरिटी आइटम नहीं है, मेरी प्रायोरिटी आइटम ये है, उसमें हजारों करोड़ रुपया देश की जनता का डेड हो गया उसके अंदर। 150 करोड़ रुपया, 1,50,000 करोड़ रुपया पिछले कई प्रोजेक्टों में और पॉलिसीज में डंप पड़ा है, जो कि इनकी रॉन्ग प्लानिंग की वजह से पड़ा, उसकी वजह से रेलवे डूब रही है। और अच्छे रोजगार देंगे और उनको डिसेंट जॉब के साथ साथ उनकी बुढ़ापे का सहारा, पेंशन, अच्छी पेंशन उनको मिलेगी, और कोई भी रोजगार नहीं रहेगा। जिनके रोजगार होंगे उनको नौकरी की सुरक्षा देंगे जी, उनको नौकरी की सुरक्षा देंगे। और नौकरी की सुरक्षा देना तो दूर रहा, इन्होंने इस वक्त बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के इंटरेस्ट को वाच करने के लिए देश के अंदर जो हमारा तकरीबन 50 करोड़ के करीब वर्कर है देश के अंदर, और 50 करोड़ वर्कर से गवर्नमेंट बनती है और गवर्नमेंट गिरती है, उन 50 करोड़ का ये कहते हैं कि हम गरीब आदमियों की सरकार है। आज तक इस देश के अंदर हिस्ट्री में जितना अटैक इन गरीब आदमियों के ऊपर हो रहा है, आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया। वो डरती थी कि हमारे को ये सरकार जनता उखाड़ के फेंक देगी, परंतु ये तो इस तरीके से सरकार देश की जनता को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट कर, बाकी जो इश्यूज इनके जो मैंडेट थे, इनके जो मिले हैं इनको, कि महंगाई को हम 100 दिन में कंट्रोल कर लेंगे, बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, सारी काला धन जो है हम वापस ले आएंगे, हर आदमी को जो खुशहाल बना देंगे देश में, हर आदमी को पक्का मकान दे देंगे, बिजली उसमें 24 घंटे रहेगी, पानी रहेगा, हॉस्पिटल इतने एम बना देंगे कि किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सरकारी हम स्कूल बना देंगे कि किसी को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सारी जगह अगर इन्होंने देखा है तो इन्होंने सारे के सारे मेडिकल ट्रीटमेंट खुला बाजार बना दिया है, कि बिना जिसके पास पैसा नहीं है वो बच ही नहीं सकता है। और एजुकेशन को इन्होंने, शिक्षा को खुला बाजार बना दिया है, कि जिसके पास पैसा है उसका बच्चा पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा जो है गलियों में धक्के खाएगा और वो बेरोजगार रहेगा, अनपढ़ रहेगा। तो इस वक्त देश का हालात जो है, ये आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। ये पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे दुनिया के देशों का भ्रमण किया है और उसको प्रेस के जरिए देश को बताने का काम किया है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है और अभी विदेशी पूंजी हमारे देश में दौड़ी चली आएगी और हमारा देश जो है वो डेवलप कंट्री बन जाएगा, ये आज तक हमारे पास कोई विदेशी पूंजी क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी इन्होंने बुलेट ट्रेन बनाने की बात की है। अभी हमारे देश में बुलेट ट्रेन की ना कहीं मांग थी, ना देश को आवश्यकता थी। हमारे पास जो हम 25,000 गाड़ी चला रहे हैं उनके ट्रैक को मजबूत करने की बात थी, उनकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी और पैसेंजर की सेफ्टी की आवश्यकता थी और टाइमली उनको डेस्टिनेशन पर पैसेंजर को पहुंचाने की आवश्यकता थी। अब इन्होंने बुलेट ट्रेन ले आए हैं, उस बुलेट ट्रेन को 110 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। जब वो पूरा बनेगा, वो बनेगा 10 साल के अंदर, और वो प्रोजेक्ट हो जाएगा कम से कम 3 लाख करोड़ का, और लोगों की ज़मीनें खरीदी जाएंगी। और बुलेट ट्रेन में देश का आम नागरिक जो है वो वर्ल्ड क्लास पैसेंजर नहीं बन सकता है। ये कहते हैं हम रेलवे को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, परंतु हमारे देश का तो 90% पैसेंजर जो है वो सत्तू लेके घर से अपने गाड़ी में बैठता है, घर से रोटी बनाकर सब्जी बनाकर गाड़ी में बैठता है वो। उनको आवश्यकता है कि हमारे को सस्ते दाम पर ट्रांसपोर्ट, जो सरकार की जिम्मेवारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, ये बिजली है, ये सस्ते दामों पे दे। सर, जिस समय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद में उन्होंने बोला कि मैं 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल दूंगा, तो क्या उनमें से कुछ इम्प्लीफाई हुआ है? 2 करोड़ नौकरियां क्या दी जा रही हैं, या क्या सबका साथ सबके विकास वाली बात थी उसमें? 2 करोड़ का ये इन्होंने बहुत लुभावने वायदे दिए हैं। ऐसा इस लेवल पर जनता को गुमराह करके, उसको झूठ बोलकर एक दफा तो आप पावर में आ सकते हैं, परंतु 2 करोड़ की नौकरियां तो बहुत दूर की बात रह गई। यहाँ पर जिनके हाथ में नौकरी लगी है, आप डिफेंस इंडस्ट्री को देखें, उसमें 90,000 देश का सरकारी कर्मचारी विदेशी पूंजी आने की वजह से उनके हाथ से काम, डिसेंट जॉब जा रही है, उनके बुढ़ापे का सहारा, पेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये रेलवे के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो है वो सारा का सारा ठेके पे काम देने जा रहे हैं। इसी तरीके से जितने हमारे महारत्ना है, जिनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महारत्ना बोला था, वो चाहे BHEL है, चाहे वो सेल है, चाहे और हमारा ONGC है,
वो सारा का सारा जो है अब घाटे में जाने का सौदा हो गया, क्योंकि इन्होंने विदेशी चाइना को जो है, वैसे कहते हैं हमारा दुश्मन है, पर चाइना को इतना बिजनेस इन्होंने दिया है जो आज तक रिकॉर्ड है। उनको चाइना को स्टील बनाने के कारखाने हमारे देश में चालू कर दिए हैं, इन्होंने स्टील सप्लाई करने के लिए बॉर्डर उनके लिए खोल रखा है। हमारा जो कारखाना जो पब्लिक सेक्टर है सेल, उसको उसको घाटे में भेज दिया है, उसको उसकी स्टील कोई खरीद नहीं रहा है, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे स्टील बनाता था सेल, सेल जो है वो घाटे में चला गया। सर किसान बड़ा त्राही त्राही कर रहा है, और किसानों के जो गन्ना का मूल्य वो नहीं मिल पा रहा है, एक तरफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा ये द्वेष रखते हैं, और फिर पाकिस्तान से चीनी मंगाई जाती है इंडिया के लिए, तो सर क्या ये चल रहा है देश के अंदर? ये तो देखिए साहब, पाकिस्तान के नाम पर देश के अंदर लोगों को गुमराह करके अपने आप को पावर में लाने की एक इनकी बहुत बड़ी साजिश है, और देश के अंदर पाकिस्तान गोली चला रहा है, हमारे देश का नौजवान बॉर्डर पे मर रहा है, उनकी लाशें जो हैं वो कफिन बॉक्स में डालकर उनके गांव में ट्रकों पे लाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है पाकिस्तान हमारे उसको मार रहा है, और देश का मुसलमान भी जो है वो पाकिस्तान के साथ है, ऐसा उसको डिवाइड करके हिंदू को पोलराइज करके सिर्फ, और अपने वायदे पूरे करने नहीं है, सिर्फ ये दो इशू पर पूरे देश को डिवीजन करने पर लगे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। इनका फर्ज बनता था कि देश का जो भी नागरिक है, जो हमारे संविधान के दायरे में आता है, उनकी रक्षा करना, उनको रोजगार देना, उनके इलाज कराना, उनके बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब सरकार की जिम्मेवारी थी, और बुढ़ापे का सहारा पेंशन उनको देना, ये सरकार के वायदे थे जो इन्होंने किए थे। 2 करोड़ का वायदा किया, अभी जो जिनके हाथ में नौकरी है वो भी जा रही है, तो बेरोजगार होकर जाएगा काम पर, वो कहेंगे जी ये फिर माओवादी बन गए, हाथ में हथियार उठा लिए इन्होंने, देश का अंदर एक अनार्की फैलने का सिचुएशन हो जाएगी, सिविल वार हो सकती है इसके ऊपर।